पार्ट टू में दिखाया गया था कि शिनान शियांग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, तो शियांग चालाकी से चेंशी को आगे करती है और थप्पड़ चेंशी को पड़ जाती है। अगर आपने पार्ट टू नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट थ्री के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चेंशी को थप्पड़ पड़ने के बाद शियांग बड़ी खुश होती है। शाओ कहती है कि तुम उन्हें साफ साफ जता रही हो कि तुम उनके अगेंस्ट हो, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? शियांग कहती है कि अगर मैं उनसे डरने लग गई और लड़ूंगी नहीं तो वो मुझे कंपनी से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कहते ही वो शाओ के साथ ड्रिंक करने जाती है और जेंगशिंग को याद करके कहती है कि काफी दिन से मैंने उसे देखा नहीं। शाओ कहती है कि ऐसा लगता है तुम उसे पसंद करने लग गई हो, तो ऐसा करो तुम उसे मैसेज करो और बताओ कि तुम उसे मिस कर रही हो। शियांग मैसेज लिखती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, तो शाओ उससे मोबाइल छीन लेती है और लिखने लगती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हमने बहुत पी रखी है, आकर हमें ले जाओ। ये लिखकर वो मैसेज सेंड कर देती है। दोनों जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ हुआचिन आता है और कहता है कि अरे तुम तो मेरी भाभी हो, तुम यहाँ अकेली क्यों पी रही हो? शियांग उसे इग्नोर करके जा रही होती है। हुआचिन उसका हाथ पकड़ता है तो शाओ उसे लात मारती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। असिस्टेंट जिंगशिंग को उन लोगों की लिस्ट देती है जो उनके डैड के साथ हुआ करते थे और उनमें से सिर्फ एक ही है जो अब कंपनी में है। जिसके बाद जेंगशिंग यू से मिलने जाता है सच जानने जो वो जानता है, क्योंकि कंपनी में गद्दारों के बारे में ये सब जानता है और आज तक ये चुप ही रहा है। यू जानता है कि जिंगशिंग क्या चाहता है, पर उसकी फिजिकल कंडीशन को देख कर वो सोच में पड़ जाता है। जिंगशिंग उसे सब सच बता देता है कि उनकी मॉम डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें मारा गया था। सच जानकर यू तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जिंगशिंग कहता है कि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है, पर इन सब के पीछे शिनान का हाथ है और हुआ फैमिली में से भी कोई एक गद्दार है, तो यू कहता है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चला जाता है। तभी उसे शियांग का मैसेज आता है जो शाओ ने उसे भेजा था। दोनों नशे में टल्ली होकर गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। शियांग घिरने वाली होती है तो जिंगशिंग व्हील चेयर पर बैठकर उसे बचा लेता है। शियांग कहती है कि तुम यहाँ कैसे? शाओ उसके पास जाकर कहती है अच्छा तो तुम जिंगशिंग हो। शियांग शाओ को जिंगशिंग से दूर करके कहती है कि ये पागल लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये कहते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिंगशिंग दोनों को कार में बिठा देता है और फिर ड्राइवर को कार से बाहर भेजकर शियांग को उठाकर घर ले आता है। वो उसे देख रहा होता है तो शियांग उसे हग करके कहती है कि तुम मेरे साथ इतना बुरा ट्रीट क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जिंगशिंग कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? शियांग कहती है हाँ, मेरे प्यारे हस्बैंड। ये सुनकर जिंगशिंग मुस्कुराता है, शायद प्यार हो गया है। शियांग ऑफिस आती है पर उसका सारा ध्यान तो जिंगशिंग पर होता है। वो कल रात के बारे में सोच सोच कर शर्मा रही होती है। टेंशी आती है और सबको न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल देकर चली जाती है। शियांग शाओ को ट्रीट देती है और न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। न्यू प्रोजेक्ट चेंजी का प्लान है शियांग को कंपनी से बाहर निकालने का, पर शियांग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इस प्रोजेक्ट से शियांग शिनान के बारे में एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। शियांग को जिंगशिंग का कॉल आता है जो अननोन बनकर उसे बात करता है। वो उसे कहता है कि उसे न्यू प्रोजेक्ट में काम करना होगा, वहाँ उसे वो मिलेगा जो उसे चाहिए। शियांग कहती है कि मैं पहले से ही प्रोजेक्ट टीम में हूँ। काम करने के बाद शियांग घर आती है तो देखती है कि जिंगशिंग ने उसके लिए खाना बनाया है, तो वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खाना भी बना सकते हो। जिंगशिंग उसे घूरने लगता है तो शियांग कहती है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाहती थी कि खाना बहुत टेस्टी है। जिंगशिंग कहता है कि कोई बात नहीं, कल रात तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? शियांग शर्मा जाती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी असिस्टेंट की कॉल आती है, वो उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। जिंगशिंग हाँ कहकर फोन रख देता है। शियांग पूछती है किसी लड़की की कॉल थी, वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है? जिंगशिंग कहता है कि हाँ वो मेरी दोस्त है और वो मुझसे कुछ पूछना चाहती है। शियांग जेलस होने लगती है। यू हुआ कंपनी की सारी रिपोर्ट जिंगशिंग को देता है जिसमें उन लोगों की लिस्ट होती है जिन्हें बिना किसी वजह के निकाला गया, और यू की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए वो अब तक हुआ कंपनी में काम कर रहा है। जिंगशिंग प्लान पर काम करने के लिए कहता है। शियांग ग्रोसरी शॉपिंग करके आती है क्योंकि वो जिंगशिंग के लिए कुछ पकाना चाहती है। तभी वो जिंगशिंग को देखती है जो असिस्टेंट के बालों से कुछ निकाल रहा होता है, पर शियांग उसे कोई और लड़की समझ रही
रही होती है। ये देखकर शियांग दुखी हो जाती है और पीछे हटकर अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मैं आज यहाँ तुम्हारे घर रुकूंगी। आधी रात हो गई है पर शियांग अभी तक घर नहीं आई। जिंगशिंग उसके लिए टेंशन ले रहा होता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि शियांग अपनी फ्रेंड के घर है। ये सुनकर जिंगशिंग को सुकून मिलता है। शियांग ऑफिस आती है तो चेंशी कहती है कि बॉस हुआंग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही उसे बॉस हुआंग से मिलवाती है जो एक नंबर का थरकी होता है। वो शियांग से कहता है कि मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाहता था पर शियांग उसे कोई भाव नहीं देती और चेंशी से कहती है कि कौन बॉस हुआंग। चेंशी बताती है कि बॉस हुआंग हुआ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है और हमारे प्रोजेक्ट के लीडर और इस प्रोजेक्ट में जेंगशिंग बॉस हुआंग के साथ है। बॉस हुआंग खुद को संवारने के बाद शियांग को बैठने के लिए कहता है और मीटिंग स्टार्ट करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर आते हैं तो थरकी अपना थरकीपन दिखा ही देता है। वो शियांग का हाथ पकड़कर डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि ऐसे वो क्लोज होकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर शियांग उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ने के बाद बॉस हुआंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। शियांग कहती है कि तुम हमारी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो लेकिन मैं कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने को कहूंगी। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी कंपनी शिन्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर बॉस हुआंग चला जाता है। शियांग शिनान के पास जाती है तो शिनान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शियांग कहती है कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट का पार्टनर हुआंग है, उसकी कंपनी कंगाल है तो वो कैसे इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। शिनान कहता है कि कंपनी के बारे में डिसीजन लेना तुम्हारा काम नहीं है, चली जाओ। ये सुनकर शियांग चली आती है। शियांग घर आती है और गुस्से से अपने शूज निकाल कर बड़बड़ा रही होती है। जिंगशिंग उसे देख रहा होता है और जैसे ही शियांग उसे देखती है तो एम्बैरेसिंग फील करती है और कहती है कि मैं कल शाओ के घर थी, अभी आराम करने जा रही हूँ। ये कहते ही वो जा रही होती है तो जिंगशिंग कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसे देख कर शियांग कहती है कि क्या मतलब है इसका, क्या हुआ, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। जिंगशिंग कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, एक दो दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी असिस्टेंट आती है यू का मैसेज देने। वो आते ही जिंगशिंग के बालों को टच करती है तो ये देखकर शियांग जेलस होती है। असिस्टेंट शियांग की तरफ देखकर चुप होती है क्योंकि वो उसके सामने जिंगशिंग को कुछ नहीं बताना चाहती। शियांग समझ जाती है इसलिए वो कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं रूम में जाती हूँ। ये कहते ही मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शियांग के जाने के बाद वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। असिस्टेंट कहती है कि यू को फिकर है कि तुम्हारी कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तुम फ्यूचर में हुआ कंपनी के डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं कर सकते। जिंगशिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो यू को मेरा मैसेज दो कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं। फिर असिस्टेंट उसे डॉक्यूमेंट देकर चली जाती है। जिंगशिंग शियांग के पास जा रहा होता है। शियांग जिंगशिंग का गुस्सा टेडी पर निकाल कर कह रही होती है कि तुम आखिर किसे पसंद करते हो। तभी जिंगशिंग आता है तो शियांग टेडी को छुपा देती है और कहती है कि क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। ये सुनकर जिंगशिंग बिना कुछ कहे चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।